नेत्रकांड होने के बाद भी बड़वानी जिला हॉस्पिटल के नेत्र विभाग की व्यवस्था का हाल बेहाल है। मोतियाबिंद के चिन्हित मरीजों को नेत्र विभाग इंदौर ले जाने के लिए विवश दिखाई पड़ रहे हैं। विभाग ने 72 सीटर बस में 42 मरीज और उनके परिजनों को बिठाया तो बस फुल हो गई। मगर मीडिया को देख बस संचालक और हॉस्पिटल कर्मियों ने बस से ओवरलोड मरीजों को नीचे उतार दिया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। मरीजनों का आक्रोश देख हॉस्पिटल के नेत्र विभाग ने उन्हें जुलवानिया तक का किराया देकर भेजा और वहां से चोइत्राम हॉस्पिटल की बस बुलाकर इंदौर पहुंचाया। 41 टोटल हो गया है पेशेंट, 41 मरीज हो गया टोटल। सभी को पहुंचा दिया गया? सभी अभी इसमें 25 पेशेंट इस बस में गए चोइत्राम वाली बस में, और बाकी को हम ये जुलवानिया तक भेजेंगे विद किराया वगैरह दे के। और जो जुलवानिया से चोइत्राम की बस आ रही है उसमें शिफ्ट करके भेजेंगे। एक मरीज के साथ एक अटेंडर भी आता है? हाँ, एक अटेंडर। वो ऑपरेशन कब होगा इंदौर में? दूसरे दिन कल होगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए इंदौर जा रहे मरीज ठंडी हवाओं और पानी के लिए भी परेशान दिखे। कई होटलों से तो कोई आसपास से पानी मांगकर अपनी प्यास बुझाने लगे, लेकिन करोड़ों का बजट मिलने के बाद भी हॉस्पिटल मरीजों के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। पानी की व्यवस्था के लिए हमने कई बार मौखिक तौर पर और कई बार लिखित में भी आवेदन दिया है सीनियर अधिकारी को, और RMO सर की तरफ से जवाब भी आया था कि आपका वाटर कूलर यहाँ पे नहीं, आपका 16 पलंग वार्ड में लगा है, आप वो यूज़ करें। यहाँ पर वाटर कूलर व्यवस्था नहीं है? यहाँ नहीं है। कब से लगना यही चाहिए था? नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि पेशेंट नहीं परेशान होते हैं। डेली OPD में कितने मरीज आते होंगे मैम यहाँ पर? 70, 60, 70 आते हैं।